ओके सो फर्स्ट मेथड हमने देखा ट्विन बल्ब मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिफ्यूजिविटी इन गैस फिल्म. नाउ सेकेंड मेथड विच इज स्टीफन ट्यूब मेथड. ठीक, इसमें देखो क्या है, हमने एक कैपिलरी ट्यूब ले ली. ठीक है, और ये कैसा है, वर्टिकल और ऊपर एक हाई डायोड ट्यूब ले ली. ठीक है, कैसे इंस्टॉल कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर. ठीक है, अंदर इन कैपिलरी वी हैव लिक्विड इन विच इज वोलेटाइल. अंदर एक लिक्विड भरी हुई है जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब उड़ सकती है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा सकती है. यहां गैस भी जा रही है और बहुत तेज वेलोसिटी से जा रही है. इन करेगा क्या, प्योर भी देन अंदर से डिफ्यूज होकर ये बाहर आएगा और ये उसे स्वेप कर लेगा. यहां से क्या आउट होगा, ए प्लस बी. सो एट द सरफेस ऑफ लिक्विड लेवल, टॉप लेवल ऑफ लिक्विड, हमने मान लिया पार्शियल प्रेशर इज पी ए वन एंड जो कैपिलरी का टॉप है जिसको इस बड़े वाले ट्यूब से जोड़ रहा है वहां पार्शियल प्रेशर हमने जीरो लिख दिया. व्हाई जीरो, बिकॉज ये बहुत तेजी से जा रहा है गैस भी. जैसे ही डिफ्यूज होकर यह बाहर आएगा सर्फेस पे, ये स्वेप कर लिया जाएगा बी के द्वारा और यहां पर हमेशा जीरो बना रहेगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट द टॉप ऑलवेज जीरो, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सूडो स्टेडी स्टेट कंडीशन. मींस आफ्टर एवरी इंटरवल वी गेट अ न्यू स्टेडी स्टेट, दैट इज सूडो स्टेडी स्टेट. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट और यहां आप क्या देख रहे हो, ओनली ए इज डिफ्यूजिंग इन बी, बी ए में डिफ्यूज नहीं हो रहा. So it is the case for stagnant gas. Stagnant gas B, B stagnant. Okay. So अभी जो हमने flux equation निकाला था stagnant gas के लिए वो क्या था, NA by A equals to DAB by RTZ P upon PBLM PA1 bar minus PA2 bar. Any problem? Flux into area. अगर इस flux में NA by A में हम A का multiply कर दें area, तो क्या प्राप्त होगा? Molar flow rate. क्या मिलेगा? Molar flow rate. तो फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल्स टू मोलर फ्लो रेट ऑफ ए, भाई फ्लक्स ऑफ ए, फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ए इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू मोलर फ्लो रेट ऑफ ए, भाई इनटू ए कर दिया आपने, ए कैंसिल हो गया, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके. सो फ्लक्स इज एन ए बाय ए, एरिया हमने एज्यूम कर दिया, वी एज्यूम द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इज 1 मीटर स्क्वायर और यूनिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब इज 1 हमने एज्यूम कर दिया. सो इन दैट केस भाई वैसे तो एरिया यहां कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम, बट इन आरएचएल से आपको लिखना होगा. अगर आप यूनिट एरिया मान लिए एक मीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एमएम स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. एक्सपेरिमेंट में तो छोटा ही रहेगा उसका यूनिट, लेकिन हमने यहां आपको ऐसा यूनिट में लेके चलना है, नो प्रॉब्लम, 1 मीटर स्क्वायर यूनिटी. ठीक है, तो मोलर फ्लो रेट ऑफ एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, बट इस इक्वेशन से जब आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसके लिए हमको डीएबी की वैल्यू चाहिए. हम कह रहे हैं हमारे पास डीएबी की वैल्यू है नहीं, अगर हमारे पास डीएबी की वैल्यू नहीं है तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो यानी कि ये मेथड तो हमारा फेल हो गया. क्या कोई और मेथड भी है? बिल्कुल है. अगर हम ये देख लें कि इन हाउ मच टाइम, हम देख लें आफ्टर टाइम टी, इन टाइम टी
इसके लेवल में कुछ इतनी गिरावट है। तो भाई इसका लेवल जो कम हुआ मतलब कितना मोल कम हुआ, कितने टाइम में कम हुआ, वही तो मोलर फ्लो रेट होगा ये का। भाई रेट ऑफ डिक्रीज इन लेवल इज रेट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिक्रीज इन मोल्स ऑफ ए इन ट्यूब इन वर्टिकल ट्यूब, दैट इज मोलर फ्लो रेट ऑफ ए फ्रॉम द वर्टिकल ट्यूब। तो कैसे लिखोगे, हाउ? अगर हम कहते हैं कि हाइट में जो इनिशियली कुछ एच नॉट हाइट थी, एक्सपेरिमेंट कुछ देर के लिए हमने टी सेकेंड के लिए किया और आफ्टर टी सेकेंड हमने देखा कुछ लेवल में गिर गया और अब फाइनल हाइट एच एफ मिल गई। पहले हाइट कितनी थी, एच नॉट, एच एफ एट टाइम टी एंड एच नॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो जीरो, यही तो है। हमने मान लिया ये जो टाइम में ये जो अंतर हुआ है ये क्या है, डिफरेंस है डी एच, हाइट में डिफरेंस कितना आया डी एच। अगर हाइट में इस डिफरेंस को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा, एरिया हमने वन माना है इसीलिए कि थोड़ा इजी होगा, सो डी एच इंटू वन वॉल्यूम हो गया, ठीक है वॉल्यूम तो मिल गया। अब क्या वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, देखो वॉल्यूम में मास डेंसिटी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब मास आ जाएगा, ये यानी कि आ गया मास। अगर इस मास डेंसिटी को हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए से डिवाइड करें, तो भाई मास को जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हो तो यू गेट मोल, मास मोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोल आ गया। ये कितने देर में हुआ है, कुछ डीटी टाइम है भाई, वो तो फिर लिमिट लोगे ना आपकी टी बराबर जीरो पे एच नॉट था एच एफ था, हमने अभी कहा डीटी टाइम में डीएच अंतर आया, बाद में इसी को रीअरेंज करके लिमिट ले लेंगे। तो डीटी टाइम में कितना अंतर आया डीएच, देन डीएच इनटू डी 1 बाय डीटी, ये पूरा क्या हो गया, देखो ये मोलर फ्लो रेट ऑफ ए है कि नहीं, देखो अच्छे से मोलर फ्लो रेट ऑफ ए है ये। अब करना क्या है, अब इसके आगे करना क्या है, अब रीअरेंज करो और रीअरेंज करके लिमिट लो और सॉल्व कर दो। ठीक है तो कैसे करेंगे आगे इसके, अब भाई एन ए की वैल्यू को यहां से पुट कर दो। अच्छा हमारे इस केस में ये जेड कितना है, जेड जेड क्या है होता है, व्हाट डू मीन बाय जेड, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन, किस पॉइंट से किस पॉइंट पे हो रहा है, तो अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से किस पॉइंट पे हो रहा है, हमने मान लिया एच, वो तो लिमिट है ना एच नॉट और एच एफ कि अभी इतना था उतना था, एच इज तो एच क्या है, एच इज वेरिएबल, एच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एच क्या है फंक्शन ऑफ टाइम, भाई अभी इतना एच है कुछ देर बाद इतना हो जाएगा कुछ देर बाद और इंक्रीज कर जाएगा एच, सो एच इज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके सो यहां जेड के प्लेस पे एच लिख दें कोई दिक्कत, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, एन ए की इस वैल्यू को यहां पुट करना है, एन ए की इस वैल्यू को यहां पुट करना है और फिर एच को एच के पास ले जाना है और सेपरेट करना है, देन आफ्टर सेपरेट टेक लिमिट एंड इंटीग्रेट। देख So, a equals to 1 रख दिया हमने, तो ये तो n equals to ये आएगा पूरा आपका, तो in place of n में dab upon r ph p by pblm is log mean of partial pressure of b, that is pb2 minus pb1 upon ln pb2 upon pb1, very good, and into PA1 bar minus PA2 bar, is that clear? और आगे देखते हैं, so rho by MA is molecular weight of liquid and DH into 1 means DH, so DH by DT,
अब क्या करें, डीएबी अपॉन आरटी पी बाई पीबीएल एच, हमने क्या किया उधर भेज दिया, क्यों, बिकॉज एच इज वेरिएबल एंड इन प्लेस ऑफ पी ए टू पुट जीरो, पी ए टू कितना है जीरो, ओके। और पी ए वन में क्या है, हमेशा कॉन्स्टेंट, भाई सरफेस पे है तो सरफेस पे हमेशा क्या रहेगा, सेचुरेशन की कंडीशन रहेगी, तो चाहे ये सरफेस यहां रहे या चाहे यहां तक ये पहुंच जाए, ये कहीं भी पहुंच जाए तो इस सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर होगा एक बार वो हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा ना, भाई सेचुरेशन की अवस्था में रहेगा, क्लियर। पी ए वन कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट, पी वी एल एल कॉन्स्टेंट, आर टी डी ए बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल क्या है एच, एच वेरी कर रहा है, इसलिए हमने इस एच को यहां नहीं लिखा, इसलिए हमने एच यहां नहीं लिखा। अब इस एच को क्या करें, रो बाई एम ए, रो बाई एम ए डी एच, एच हमने भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इस डी टी को इधर ला दिया, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप वन वेरिएबल सेपरेबल। नाउ टेक लिमिट, सो लिमिट में क्या लीजिएगा आप, एट टाइम टी बराबर जीरो, शुरुआत में हमने देखा कुछ लेंथ कितना था एच नॉट था, आफ्टर सम टाइम सम लिक्विड इन द ट्यूब इवेपोरेट्स सो लेवल ड्रॉप्स एंड आफ्टर टाइम टी एच एफ फाइनल हाइट एट टाइम टी, यानी कि हमने यहां जो बाउंड्री कंडीशन ली है क्या ली है, बाउंड्री कंडीशन नंबर वन एट t is equal to 0 means initial case s equals to h naught and boundary condition number 2 at t equals to t h equals to hf। चलो अब जल्दी से इसे सॉल्व करो, d a b upon r t p by p b l m into p a 1 bar और ये क्या हो गया t minus 0 t पे 0 to t equals to rho by m a h का h square by 2 h not to hf, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, rearrange करना है और answer लिख देना है, ठीक है। next d a b upon r t p upon p b l m and p a 1 p a 1 bar अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट देन टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू रो अपॉन एम ए एंड टू बाहर निकाल लीजिए एच स्क्वायर, तो पहले अपर लिमिट एच एफ स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, एनी प्रॉब्लम, फाइनल इक्वेशन। सो डी ए बी इक्वल्स टू रो अपॉन टू एम ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर टी रो आर टी, रो आर टी इंटू पी बी एल एम अपॉन पी इंटू पी ए वन बार अपॉन टी एच एफ स्क्वायर माइनस एच एफ स्क्वायर, सो वी गेट अवर फाइनल डिजायर्ड इक्वेशन, एनी प्रॉब्लम, इजी, एनी प्रॉब्लम,